अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ सुमैरा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम आज आए हैं कराची हलीम। कराची हलीम आने का मकसद ये था कि मम्मी ने यहाँ की हलीम खाई भी है और मम्मी ने बहुत तारीफ़ की थी मुझे। आज से नहीं, एक डेढ़ महीने से कह रही है, बस वो कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ हो जाता है कि हमारा आना ही नहीं हो रहा था। आज मौसम जब हम घर से निकले तो थोड़ा सा अच्छा था, बट जब यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा हफ्स हुआ था, बारिश होने वाली है बट हुई नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है बाहर बैठने का, बट बिकॉज मौसम इतना हफ्स हो गया था तो हम फिर अंदर आ गए एसी वाले सेक्शन में यहाँ बैठने के लिए। और हम हैं इनकी डिफेंस वाली ब्रांच पर। यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ मम्मी बताएंगी, मम्मी आप बताओ यहाँ आने का क्या मकसद था? एक्चुअली मुहर्रम आ रहा है और मैं अपने घर में हमेशा खिचड़ा या हलीम बनाती हूँ। और मैंने तो यहाँ बहुत दफ़ा खाया हुआ है। मैंने कहा सुनहरा तुम चलो, ताकि तुम अपने शो पे यहाँ से ट्राई करके फिर इधर की हलीम अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को सिखाओ जो ओरिजिनल होती है। हालांकि मम्मी ने थोड़ा सा मुझे अंडर एस्टिमेट किया है ना, आपने थोड़ा सा मुझे अंडर एस्टिमेट किया। मेरी हलीम बहुत अच्छी नहीं बनती, बिल्कुल अच्छी रेशे वाली बनती है। बिल्कुल है, लेकिन इधर की बाजार वाली बिल्कुल, उसमें थोड़ा फ्लेवर फर्क होता है। और फिर इसकी जो सिकोरी होती है, खीर की जो फीमी टाइप की एक होती है कि आप शीरमाल के साथ उसको लगा लगा के खाएं, मज़ा आता है। वो भी ये सिखा देगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोग उस चीज़ से राज़ी होंगे। तो अभी हम ऑर्डर देते हैं, हलीम मंगवाते हैं, चरगा मंगवाते हैं, ताकि चरगा भी आपको सिखा सकेगी इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में, और फिर सिकोरी सिखाएगी। हम इधर आए हैं दोनों कि हम चखें यहाँ की परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी, ट्राई करके टेस्ट करके एक दूसरे को बताएंगे कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, क्या कमी है, कैसा बनेगा, और फिर आप तक ये रेसिपी डिलीवर करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, जनाब ये हमारा खाना आ चुका है। यह हलीम हमने मंगाई है और ये चरगा विद राइस एंड चटनी है, और ये देखें दाल चावल है जो कि इन्होंने अचार के साथ सर्व किया है। मैं इनकी सर्विंग पे प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है। और ये देखें गरम गरम नान हलीम के साथ। तो आप बिस्मिल्लाह करते हैं, आइए आप लोग भी हमारे साथ। मुझे भी दाल मम्मी, ये चाट मसाला हम लोग हलीम चाट मसाले के बगैर नहीं खाते। अच्छी है मम्मी, बहुत मज़े की है। ठीक है, वही नहीं, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं। हमने हलीम खाई, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया। मैंने और सुमैरा ने काफ़ी डिस्कशन भी की है इस पर कि क्या है क्या नहीं है। अब वक्त है मीठा चखने का, खीर जो कि हम इसको खाते हैं शीरमाल के साथ, बड़े मज़े की लगती है, बहुत मज़े की। ये देखें ये स्टाइल है हमारा इसको चखने का। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी इससे अच्छी लगती है, मैं आपको इससे अच्छी बताऊं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। जैसे कि मम्मी ने आपको बताया, मुझे तो अच्छी लगी खीर, बहुत अच्छी बैलेंस थी, कम मीठी थी, बट मम्मी को अच्छी नहीं लगी। मुझे जो एक चीज़ अच्छी नहीं लगी वो दाल। मुझे लगा कि मेरी दाल थाली इज वे मोर प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटिफुल। तो वो तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह बनाते हैं, किस तरह सर्व करते हैं। ज़ाहिर है बाज़ार में और घर में फ़र्क तो होता ही है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए। बिल्कुल हलीम वॉज एक्सेलेंट, नो डाउट, हलीम बहुत मज़े की। हलीम हम आपको बिल्कुल इसी तरह से रेशे वाली इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द सिखाएंगे। मम्मी आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला हमें आज दोनों ने ट्राई किया है, दोनों ने डिस्कस किया है, आपको कोशिश करेंगे यहाँ से अच्छी हलीम ऑथेंटिक तरीके से सिखाएं। बट खीर पीनी मुझे नहीं अच्छी लगी, वो मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊंगी। और दाल चावल तो टोटल फ्लॉप थे, कभी नहीं ट्राई की। बहुत
ठीक है। और चरगा भी अच्छा था, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और चरगी चटनी तो सुपर, ठीक है। चलें जी, मिलेंगे आपसे एक और ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ सुमैरा। हमारा पेज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड, विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव इंशाल्लाह, जल्द मुलाकात।